रिया मुझे बर्बाद करके चली गई, वो मुझे फंसा देगी, वो मेरा सब कुछ डेटा लेकर चली गई। ये शब्द थे सुशांत सिंह राजपूत के। 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गई, तब सुशांत ने ऐसी ही कुछ बातें की थी। ये बातें अब सिद्धार्थ पिठानी ने अपने कन्फेशन में कही है कि जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर गई थी, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते थे, उन्हें डर था कि कोई उन्हें मार देगा। सिद्धार्थ पिठानी ने अपने कन्फेशन में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के जाने के बाद काफ़ी चिंता जताई और कहा कि ये मुझे बर्बाद कर चली गई है, ये मेरा लैपटॉप ले गई, मेरी हार्ड ड्राइव्स ले गई, मेरा कैमरा भी लेकर चली गई, उसके पास सारे पासवर्ड भी है जिससे वो मेरी इन पर्सनल चीज़ों को एक्सेस कर पाएगी और अब वो मुझे किसी केस में फंसा देगी। कुछ इस तरह का डर सुशांत सिंह राजपूत ने रिया के खिलाफ जताया था। आपको बता दें कि ऑलरेडी ये बातें सामने आ रही थी कि रिया जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी, बार बार सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ने की बात करती थी, उन्हें धमकियां देती थी। और अब सिद्धार्थ पिठानी का ये जो कन्फेशन है, ये बहुत कुछ कहता है कि रिया चक्रवर्ती जब सुशांत का घर छोड़कर गई थी तो अपने साथ बहुत कुछ छोड़कर गई थी और कोई ना कोई साजिश जरूर थी सुशांत सिंह राजपूत को फंसाने की। इसीलिए दिशा सालियान की डेथ के बाद और रिया के जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि ये लोग मुझे भी मार देंगे और वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते थे। उन हार्ड ड्राइव्स को ले जाना क्यों जरूरी था? रिया चक्रवर्ती क्यों सुशांत का कैमरा और लैपटॉप अपने साथ लेकर गई? क्यों रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पासवर्ड्स अपने पास रखे और क्यों वो सुशांत की पर्सनल चीजों को खंगालना चाहती थी? यह बहुत सारे सवाल है। क्यों डर था सुशांत सिंह राजपूत को रिया के जाने के बाद? काफी बातें सामने आ रही है और ये सभी बातें जो अब सामने आ रही है वो मर्डर के एंगल की तरफ ही इशारा कर रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।